नमस्ते, मैं हूँ रत्नकांत। गीता रत्न की तरफ से आप सबका स्वागत है। गीता का अध्याय 4 यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग हम देखेंगे। 1 मार्च, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मैंने अविनाश योग सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। हे अर्जुन, इस तरह से ये परंपरा से आया हुआ योग, इसका महत्व राजर्षि को पता चला, लेकिन बहुत कालखंड से ये योग पृथ्वी पर लुप्त हो गया था। जब पृथ्वी निर्माण हुई तब वेद का निर्माण हुआ। वेदों में मानव के जीवन का सार्थ करने वाली संस्कृति और ईश्वर भक्ति की शिक्षा देने वाले ज्ञान योग और कर्म योग भगवान ने अपना शिष्य वैवस्वत यानि सूर्य को बताया समझाया। सूर्य यानि सब ग्रहों का राजा, वेदांत शास्त्र कहता है 12 करोड़ साल पहले ये सूर्य को बताया गया। उसके बाद मानव का जन्म हुआ और सूर्य देवता ने अपने पुत्र मनु को ये सब बताया और समझाया। मनु यानि मानव का आद्य पुरुष। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया और फिर ये मनुष्य को मालूम हुआ। बाकी जानकारी हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।